गुड मॉर्निंग क्लास टू। आज हम करेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में टॉपिक है हमारा ग्रामर का। और ग्रामर में आज हम करेंगे, आप देख रहे हैं, पिक्चर कॉम्पोजिशन। पिक्चर कॉम्पोजिशन, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पिक्चर कॉम्पोजिशन में सबसे पहले क्या देखना होता है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। सबसे पहले पिक्चर को केयरफुली हमें देखना है कि इस पिक्चर में क्या 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 हो रहा है। और ये पिक्चर सबसे पहले आपको किस चीज़ को देखना है कि किस चीज़ की पिक्चर है, व्हाट इज़ द पिक्चर अबाउट, किस विषय में है ये पिक्चर। ठीक है, अब जैसे आपके पिक्चर आपको दिख रहा है कि एक टीचर है जो गार्डन में बैठी हुई है, स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें है, वो क्लास ले रही है वहाँ पर। और यहाँ पर वो किसके नीचे हैं, एक ट्री के नीचे हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो बुक खोलकर कुछ बता रही हैं, ट्री के बारे में ही बता रही हैं। वहाँ एक छोटी सी क्या बैठी हुई है, यहाँ पर एक डक भी है। और यहाँ पर कितने बच्चे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं जो अपनी वाटर बॉटल भी लेकर बैठे हुए हैं। और यहाँ एक स्क्वायरल भी है, ये आपको स्क्वायरल भी दिख रही है। और ट्री के ऊपर एक नेस्ट बना हुआ है, नेस्ट में एक बर्ड है जिसके पास, जिसमें 2 eggs भी रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपने पिक्चर देखा, और बहुत ग्रीन पिक्चर है ये। बच्चों ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, और यहाँ डक भी है, और एक सुंदर सा फाउंटेन भी है। आप देख रहे हैं फाउंटेन है, वहाँ पर बहुत सारे डक्स हैं। ठीक है, फाउंटेन आप समझते हैं ना, फाउंटेन्स भी हैं। और उस वहाँ पर उस पॉन्ड के अंदर जो एक पॉन्ड दे रखा है, ये पॉन्ड हो गया ना, दिस इज़ अ पॉन्ड। और यहाँ पर उस पॉन्ड के अंदर डक्स एंड फिशेज हैं। ठीक है, और यहाँ फ्लावर्स भी हैं। तो अब आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले तो ये पिक्चर कहाँ की है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ ग्राउंड ऑन द स्कूल, स्कूल के गार्डन ऑफ द गार्डन कहाँ का है, ऑफ द गार्डन कहाँ का है, ऑन द स्कूल। ये पिक्चर है गार्डन की या ग्राउंड की, जो एक स्कूल का ग्राउंड है। ठीक है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ ग्राउंड ऑफ द स्कूल, देर आर मैनी चिल्ड्रंस, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, देर आर मैनी चिल्ड्रन, दे वेयर स्कूल यूनिफॉर्म, उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है। इन दिस पिक्चर वन स्क्वायरल एंड मैनी बर्ड्स एंड क्या क्या हैं, इन दिस पिक्चर वन स्क्वायरल, फिशेज, डक्स एंड बर्ड्स, इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या क्या हैं आपने बता दिया। उसके बाद आपने लिखा, इन अ बिग ट्री वन नेस्ट ऑन इट, बिग ट्री के ऊपर क्या है, एक नेस्ट है। ठीक है, देर आर मैनी फिशेज इन द पॉट, पॉट के अंदर क्या है, बहुत सारी फिशेज हैं। देर आर मैनी फ्लावर्स, आई लव दिस पिक्चर, आपको क्या करना है, देयर, इन दिस पिक्चर देयर आर, ठीक है, एंड देर आर टू बॉटल्स, वन इज ब्लू कलर एंड वन इज रेड कलर, सिंपल सेंटेंस बने आपके। ठीक है, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, टीचर गिव मी द, टीचर क्या कर रही है, टीच द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्रीज। ठीक है, वन टीचर टीच द स्टूडेंट अबाउट अ ट्रीज। ठीक, इस तरह से करके आप क्या बताते हैं, आपको क्या बताना है कि पहले तो ये पिक्चर कहाँ की है, फिर इस पिक्चर में क्या क्या है। ठीक, अब आपको मैं यही वर्कशीट आपकी, मैं आपको असाइनमेंट के लिए दे रही हूँ, आपको इसी को करना है। ठीक है, आपको यहाँ एक और कह सकते हैं, इन दिस पिक्चर वन पॉन्ड आर देयर, ठीक है, यहाँ पर इस पिक्चर में यहाँ पर एक पॉन्ड भी है, एक वाटर फाउंटेन भी लगा हुआ है। इन दिस पॉन्ड वी सी अ वन फाउंटेन, वाटर फाउंटेन। ठीक है, वी सी क्या क्या चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। ठीक, इसको बहुत ध्यान से करिए, अपनी जो आपका जो चीज़ इसके अंदर है वही आपको लिखनी है, कोई इसके बाहर का कुछ भी नहीं लिखना है, ना आप बातचीत लिख सकते हैं। आप यहाँ पर मिस
का नाम दे सकते हैं, मिस अरुणा टीचर्स हर स्टूडेंट्स, ठीक। इस तरह करके आप इसको लिखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।